यूक्रेन से लौटे चार छात्र सीएम से मिलने लखनऊ हुए रवाना। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जो अफरा तफरी शुरू हुई उसने बड़ी संख्या में वहाँ MBBS कर रहे छात्र छात्राओं को भी प्रभावित किया। खासकर हमले के केंद्र रहे किव खार्किव शहर में लगातार बमबारी होने से वहाँ के छात्रों के सामने सबसे बड़ा संकट उत्पन्न हो गया था। अब खार्किव से भी छात्र निकलकर पोलैंड पहुंच चुके हैं और ये सभी चारों मुख्यमंत्री के बुलावे पर लखनऊ जा रहे हैं और कल ये सभी कल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि इसमें गोरखपुर के चार छात्र यूक्रेन से रोमानिया होते हुए दिल्ली पहुंच गए। उनमें चार गोरखपुर आ गए हैं। इनमें रेलवे कॉलोनी के अभीष्ट कुमार पांडे, अनुराग सिंह व पादरी बाजार की सगी बहनें पूजा कुमारी गुप्ता हुआ शिवाजली गुप्ता हैं। भयावह दशहत में बीते यूक्रेन के पल, उसके बाद थकान वाली लंबी यात्रा के बाद जब वे घर पहुंचे तो घबराए स्वजन ने राहत की सांस ली। वीओ वहां से लौटे छात्रों ने बताया कि यूक्रेन के अनेक शहरों में लगातार बमबारी हो रही है, भयावह दशहत का माहौल है। सायरन बजते ही हम लोग बंकर में चले जाते थे। दिन में एक घंटे के लिए बाजार खुलता था लेकिन लंबी लाइन लगाने के बाद भी हमें सामान नहीं मिलता था। दुकानदार यूक्रेन वासियों को पहले सामान देते थे, तब तक समय समाप्त हो जाता था, सामान मिल नहीं रहे थे, इसलिए वहां से खतरों के बीच भागना पड़ा। बॉर्डर पर भी बहुत दिक्कतें हुई। जब हम लोग रोमानिया में फ्लाइट में बैठ गए तब लगा अब अपने देश पहुँच जाएंगे। आज घर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। फिलहाल यूक्रेन से लौटे चारों छात्र आज मुख्यमंत्री को उनका हालचाल लेने के लिए लखनऊ बुलाया। उन्हीं के बुलावे आज चारों छात्र लखनऊ के रवाना हुए और उन्हें केंद्र और राज्य सरकार वहां सकुशल निकलने के धन्यवाद दिया। खबर जगत के लिए एलएन सिंह की रिपोर्ट। देखिए गोरखपुर के 71 छात्र वहाँ पर रहे, जो सूचना प्राप्त हुई थी 71 बच्चे हैं वहाँ से, जिसमें से 40 बच्चे गोरखपुर लौट आए हैं और काफ़ी बच्चे आज कल में लौटने के उसमें हैं, बोर्ड कर गए हैं वे लोग और वहाँ की एम्बेसी के कांटेक्ट में आ चुके हैं, तो धीरे धीरे सभी छात्र जो गोरखपुर के हैं वो जल्द ही गोरखपुर आ जाएंगे। कितने छात्र वापस आए? 40 आ गए हैं, 40 छात्र आ गए हैं और आज 9 लोग बोर्ड कर रहे हैं वहाँ पे। बाकी लोग भी धीरे धीरे जैसे जैसे फ्लाइट में अकोमोडेशन प्राप्त हो रहा है एम्बेसी की सहायता से, वे सभी लोग धीरे धीरे गोरखपुर आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ यूक्रेन पे काफ़ी बमबारी और काफ़ी हमलाबाजी हो रही है और वहाँ से आप लोग लौट के आए हुए हैं, किस तरह का माहौल है और किस तरह से आप लोग सुरक्षित निकल करके आए? सर माहौल तो ख़राब, हमारे निकलने के बाद और ज़्यादा ख़राब होने लगा है। और जब हम लोग वहाँ पे थे 24 तारीख की सुबह को मुझे याद है सायरन बजना शुरू हुआ और हमें फिर उस टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो हमारे लिए पहली बार था एक वॉर जोन में रहना। तो हमने जल्दी जल्दी करके हमने अपना एक बैग तैयार किया जिसमें हमारे दवाई, खाने के लिए कुछ पैक्ड आइटम्स और पानी, ये सब ज़रूरी सामान और डॉक्यूमेंट्स, मेनली हमारे डॉक्यूमेंट्स वो रखे थे। वो पैक हम कर ही रहे थे तभी हमें एक धमाका सुनाई दिया था और विनिच्या का वेयरहाउस रूसी सेना ने उड़ा दिया था, बाद में ये खबर आई। तो अब हम वहाँ पर काफ़ी डर चुके थे और लेकिन हमने थोड़ा सा हिम्मत बरता और हमने वहाँ का जो ड्रिल, मॉक ड्रिल है, उसका पालन किया कि सायरन बजते ही कैसे हमें बंकरों में जाना है। और बंकर में जाके हमने लगभग 2 रात बिताई। फिर 26 तारीख को दोपहर में हम वेनिसिया से सेरेट बॉर्डर रोमानिया के तरफ हमने एक बस हायर करके और वहाँ से हम लोग चल दिए। बस में तिरंगा झंडा होने का काफ़ी फ़ायदा मिला हमें कि तिरंगे झंडे होने के बाद आज भी मेरे पास ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे दाहिने साइड में यूक्रेनियन गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं और हम लेफ़्ट साइड से पास होते चले जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ तिरंगे झंडे की वजह से। हम बॉर्डर से 16 किलोमीटर पहले हमें वहाँ पे रोका गया क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया था और फिर उसके बाद हमने 16 किलोमीटर पैदल रास्ता तय किया और वहाँ पे जाके बॉर्डर पे हमें दूसरी मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि बॉर्डर पे हमने देखा कि काफ़ी बड़ी मात्रा में हुजूम लगा हुआ है लोगों का और सारे बॉर्डर क्रॉस करने का मंशा लिए खड़े हैं वहाँ पे। और वहाँ के जो यूक्रेनियन चेक पोस्ट की आर्मी लगी हुई थी
वो मैनेज नहीं कर पा रही थी, तो फलता वो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और ज़ोर ज़बरदस्ती करने पे उतर आए थे। मतलब वो उनकी मजबूरी हो गई थी उनकी, हाँ वो उनकी मजबूरी हो गई थी क्योंकि वो लोग इतने लोग को संभाल ही नहीं पा रहे थे। तो हवाई फायरिंग ये सब भी हुआ, बट हिम्मत और इकट्ठा करके हमने एक रात -10 में काटा। फिर उसके बाद अगला दिन भी लगभग 3 डिग्री सेल्सियस हाईएस्ट जाता है, जो ठंड बहुत थी उसमें। हमारे एक मेरे ही कॉलेज का मेरा मित्र चंदन नाम का, उसकी दुखद मृत्यु हो गई है हाइपोथर्मिया के कारण। वो कोमा में चला गया था उस दिन। और फिर उसके बाद स्नोफॉल का सामना करना पड़ा हमें, लेकिन बॉर्डर जैसे ही क्रॉस किया हमने, उसके बाद से चीज़ें बहुत ही आसान हो गई। वहाँ रोमेनियन लोकल पीपल जितने थे उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हेल्प किया, और भारत सरकार तो अपना सर्वस्व दे ही रही थी हम लोग को। अच्छा, वहाँ से आप लोग लखनऊ निकले? जी, लखनऊ किस लिए निकले? माननीय योगी श्री योगी जी से मुलाकात करने के लिए। अच्छा, वहाँ से बुलाया गया? जी, वहाँ से बुलाया गया। आपदा प्रबंधन का अधिकारी से हमें आया था सूचना कि हमें